Hello everyone, I welcome you in the second session of the first chapter Soil Erosion and Conservation. Previously we have learned about what is soil and what is the process of formation of the soil. Soil kya hoti hai and soil kaise banti hai to humne previous lecture mein dekh liya. Today we are going to start the topic soil erosion. Soil erosion kya hota hai? Soil ka damage yani ki soil erosion. एकदम क्लियर माइंड में कर लेना है कि सॉइल का जब डैमेज सॉइल जहाँ पे डैमेज होती है उसको बोलते हैं सॉइल इरोजन. फिर ये डैमेज होता कैसे, सॉइल डैमेज होती कैसे, लेट्स सी. एनी प्रोसेस दैट डैमेजेस और रिमूव्स द टॉप सॉइल फ्रॉम द रीजन कॉजेस सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन मेक्स द सॉइल लेस फर्टाइल. सॉइल इरोजन मीन्स व्हाट? रिमूवल ऑफ टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल फ्रॉम द रीजन इज कॉल्ड सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन क्या होता है? सॉइल देखो, ये हमारी अर्थ है ना, अर्थ है, ये अर्थ का इपिसेंटर. अर्थ की सरफेस पे जो सॉइल होती है इसका रिमूव होना, इसका अपनी जगह से हट जाना मीन्स व्हाट? सॉइल इरोजन. और इससे क्या होता है? सॉइल इरोजन से इट मेक्स सॉइल लेस फर्टाइल. तो वो क्या होंगे, आपको जितनी ज्यादा यील्ड चाहिए, जितना प्रोडक्शन चाहिए, वो ऐसे सॉइल में मिलेगा नहीं जहाँ पे ऑलरेडी सॉइल इरोजन हुआ है. सॉइल इरोजन क्या होता है? सॉइल की जो ऊपर की लेयर है उसका हट जाना. देखो इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, आप सोचो तो. लेट मी टेल यू, अगर विंड ब्लो करता है, बहुत जोर से हवा चल रही, बहुत तूफानी हवा चल रही, तो उसके साथ देखो आप देखते हो कभी कभी, या फिर हमारे घर में और सॉइल के पार्टिकल्स आ जाते, डस्ट आ जाती, तो वो डस्ट क्या होते, इट इज नथिंग बट द सॉइल पार्टिकल्स. तो वो सॉइल पार्टिकल्स कहाँ से आते हैं हमारे घर में? इट इज ड्यू टू द ब्लोइंग ऑफ द विंड. विंड के ब्लो होने की वजह से सॉइल के पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स आ जाते. तो इसकी वजह से क्या होता है? सॉइल इरोजन. तो इसके कुछ नेचुरल कॉजेस हैं. नेचुरल कॉजेस ऑफ सॉइल इरोजन वो देखते हैं. सॉइल इरोजन मेनली अकर्स ड्यू टू विंड एंड ब्लोइंग वाटर. सॉइल इरोजन किससे, किसकी वजह से? विंड, हवा जो बहती है तो अपने साथ वो ऊपर की जो लेयर होती है सॉइल की, वो भी वो अपने साथ उड़ा के लेके जाती है. तो ये क्या हो गया? सॉइल इरोजन. ऑल्सो देखो, आपने देखा होगा रिवर के बैंक पे आप जब भी जाते हो ना, तो वहां पे क्या होती है, आप सैंड, एकदम फाइन सैंड वहां पे होती है. तो वो सैंड आती कहां से? वहां पे जो फ्लोइंग वाटर है, जो वाटर बहता है, तो वो बहते वक्त अपने साथ वो क्या, जो भी सॉइल होती है सरफेस, मतलब कि वाटर का जो सरफेस होता है, बॉटम सरफेस, उसमें जो सॉइल प्रेजेंट होती है वो अपने साथ बहते वक्त क्या करता है, वो सॉइल को भी अपने साथ कैरी करता है. तो इसकी वजह से भी क्या होता है? सॉइल का इरोजन. दीज आर द बेसिक कॉजेस ऑफ, बेसिक नेचुरल कॉजेस ऑफ सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन सिर्फ दो बेसिक चीजों से होती है, एक विंड, ब्लोइंग ऑफ विंड एंड फ्लोइंग ऑफ वाटर. यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ब्लोइंग ऑफ विंड एंड फ्लोइंग ऑफ वाटर. जब पानी बहता है तो वो क्या करता है, वो भी अपने साथ जो भी वहां पे सॉइल प्रेजेंट होती है वो अपने साथ कैरी करता है. तो उसकी वजह से भी क्या होता है? सॉइल इरोजन. लैंड दैट डज नॉट हैव एनी प्लांट्स ग्रो ऑन इट इज कॉल्ड बैरन. बैरन लैंड, बैरन लैंड क्या होती है? ऐसी लैंड जहाँ पे कोई भी प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते, मतलब कि वहाँ की सॉइल कैसी होगी, ऑलरेडी लेस फर्टाइल है वहाँ की सॉइल, उसमें कोई फर्टिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होगी. अगर वो फर्टिलिटी है तो कोई ना कोई प्लांट्स तो वहाँ पे ग्रो करेंगे. बट बैरन लैंड क्या होती है? जहाँ पे कोई प्लांट्स ग्रो नहीं हो सकते, कोई प्लांट्स हम लगा भी नहीं सकते, वो ग्रो ही नहीं होंगे तो लगा के क्या फायदा. तो ऐसी लैंड को क्या बोलते हैं? बैरन लैंड. बैरन लैंड गेट्स इरोडेड एट फास्टर रेट. और बैरन लैंड जो है वो सबसे ज्यादा इरोजन वहां पे होता है, सॉइल का इरोजन. क्यों? बैरन लैंड का इरोजन क्यों होगा? उसके ऊपर अगर आप प्लांट्स लगाते हो या फिर हाउसेस है, कोई कंस्ट्रक्शन है, तो वो सॉइल तो उसके नीचे दब जाती है ना, छुप जाती है वो. अगर विंड आता है तो उसके, अगर सॉइल पे बहुत ज्यादा प्लांट्स प्रेजेंट है, तो अगर बहुत ज्यादा विंड भी आता है तो क्या होगा कि वो उस हवा के साथ वो जो प्लांट्स है वो झूमने
लगेंगे, बट वो सॉइल को कुछ अफेक्ट कर पाएंगे नहीं, सॉइल तो नीचे होती है और ये प्लांट के ऊपर से विंड पास हो जाएगी। ऑल्सो अगर प्लांट्स लगे हुए हैं वहां से और पानी बह रहा है, बहुत ज्यादा फ्लोइंग वाटर है वहां पे, इट माइट बी रिवर है या फिर कोई नाला है, वहां से पानी कितनी भी स्पीड से बह रहा है, फिर भी जो प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स की एक प्रॉपर्टी हमें पता है, प्लांट्स के रूट्स क्या करते हैं, जो सराउंडिंग लेयर होती है सॉइल की उसको क्या करते हैं, वो होल्ड करके रखते हैं, वो अपने साथ वो पकड़ के कस के पकड़ के रखते हैं सॉइल के जो रूट्स होते हैं। तो रूट्स अगर सॉइल को पकड़ के रखते तो वहां से भी सॉइल फ्लो नहीं हो सकती, मीन्स वॉर सॉइल का इरोजन वहां पे नहीं होगा, बट बैरन लैंड जहाँ पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं है सॉइल के ऊपर, तो ऑब्वियसली वो तो सॉइल तो बनी जाएगी। बैरन सॉइल गेट्स एक्सपोज टू हीट एंड सनलाइट एंड राइज अप क्विकली, द ड्राई लूजिंग टॉप सॉइल इज इजीली रिमूव बाय विंड एंड फ्लोइंग वाटर, दिस इज हाउ एब्सेंस ऑफ वेजिटेशन वेजिटेशन कॉजेज सॉइल इरोजन। नाउ वेजिटेशन और एक न्यू कॉन्सेप्ट मिली हमें, वेजिटेशन मीन्स वॉट, ग्रोविंग ऑफ प्लांट्स, वेजिटेशन मीन्स प्लांट, बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में अगर कोई प्लेस पे प्लांट्स लगाए, जैसे कि फॉरेस्ट, फॉरेस्ट क्या हो गया, इट इज नथिंग बट द वेजिटेशन, इट इज वेजिटेशन। देखो जो बैरन लैंड होती है उसकी जो सॉइल होती है, इट इज डायरेक्टली एक्सपोज टू द सनलाइट, वो डायरेक्टली सनलाइट जो भी फॉल होता है वो तो वो लैंड पे ही आता है फिर, और उसके वजह से क्या होता है, हीट, सनलाइट, सन से जो रेज आते हैं उसकी वजह से जो हीट मिलती, हीट की वजह से बैरन लैंड क्विकली ड्राई हो जाती, बहुत जल्दी वो ड्राई हो जाती, और जितनी ज़्यादा वो ड्राई होगी उतनी इजीली वो, उतनी वो लाइट हो जाती वेट में, और जितनी वो वेट में लाइट होगी उतनी इजीली वो उड़ जाएगी ना विंड के साथ। सो दिस इज हाउ एब्सेंस ऑफ वेजिटेशन कॉजेज सॉइल इरोजन, और अगर कोई लैंड पे जिसके बैरन लैंड पे वेजिटेशन प्रेजेंट नहीं, यानी कि प्लांट्स नहीं लगाए हैं, तो वहाँ पे इजीली क्या होगा फिर सॉइल इरोजन। तो कुछ नेचुरल कॉजेज देखते सॉइल इरोजन के, फर्स्ट वन इज डीफॉरेस्टेशन, सेकेंड वन इज ओवर ग्रेजिंग। डीफॉरेस्टेशन, डी डी यानी कि नो, जहाँ पे फॉरेस्टेशन मतलब कि फॉरेस्ट जहाँ पे नहीं है, डीफॉरेस्टेशन या फिर फॉरेस्ट को कट किया गया है, वहां पे क्या होगा सॉइल इरोजन, ज्यादा सॉइल इरोजन होगी। जैसे कि देखो, रिच ग्रोथ ऑफ ट्रीज एंड अदर प्लांट्स इन अ फॉरेस्ट रिड्यूसेस द फोर्स ऑफ विंड एंड फ्लोइंग वाटर, दिस प्रिवेंट द सॉइल फ्रॉम बीइंग डैमेज्ड, फेलिंग ऑफ ट्रीज इन नंबर, लार्ज नंबर फ्रॉम अ फॉरेस्ट इज कॉल्ड डीफॉरेस्टेशन। डीफॉरेस्टेशन मीन्स वॉट, फॉरेस्ट में जो प्लांट्स प्रेजेंट है उनका गिर जाना या फिर उनको कट कर देना, ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं डीफॉरेस्टेशन। रिच ग्रोथ ऑफ ट्रीज एंड अदर प्लांट्स इन अ फॉरेस्ट रिड्यूसेस द फोर्स ऑफ विंड एंड फ्लोइंग वाटर, क्या बोला है, अगर कोई प्लेस पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्लांट्स प्रेजेंट है तो वो क्या करेंगे, विंड का या फिर जो फ्लोइंग वाटर है उसका स्पीड वो क्या कर देंगे, कम कर देंगे। दिस प्रिवेंट द सॉइल फ्रॉम बीइंग डैमेज, और उसकी वजह से क्या होगा सॉइल डैमेज नहीं होगी, सॉइल उसके साथ वो कैरी नहीं कर पाएंगे। डीफॉरेस्टेशन डैमेजेस द ग्रीन कवर ऑफ द लैंड, डीफॉरेस्टेशन से क्या होता है, इट डैमेजेस द ग्रीन कवर, ग्रीन कवर मीन्स व्हाट, प्लांट्स। डीफॉरेस्टेशन मीन्स ऑलरेडी फॉरेस्ट को कट कर देना, यानी कि डीफॉरेस्टेशन अगर कट ही कर देते तो वो फॉरेस्ट लैंड के ऊपर कौन सा ग्रीन कवर रहेगा, रहेगा कोई, ऑब्वियसली नॉट। When a large area of forest is cleared for growing crops, mining, raising livestock or building roads, it gets exposed to wind and flowing water and the soil gets eroded. Thus, deforestation leads to soil erosion. Deforestation क्यों किया जाता है, देखो कोई construction करना है या फिर mining, mining यानी कि earth के क्रस्ट के अंदर जो भी मिनरल्स प्रेजेंट है, मिनरल्स को निकालना है बाहर, तो वो क्या होता है माइनिंग, माइनिंग करना है, कोई कंस्ट्रक्शन, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज लगानी है, या फिर अर्बनाइजेशन करना है, यानी कि रूरल पार्ट को सिटी में डेवलप करना है, तो उसकी वजह से क्या फॉरेस्ट को कट कर देते हैं, वहाँ पे प्लॉट्स और वहाँ पे फिर हाउसिंग सोसाइटी बनाई जाती है एक्सेट्रा, तो इसकी वजह से लैंड क्या हो जाती है बैरन। डीफॉरेस्टेशन अगर प्लांट्स को ही कट कर दोगे तो वहां पे लैंड किसी हो जाएगी बैरन, एंड बैरन लैंड तो कितनी इजीली इरोडेड होती है, इरोजन वहां पे सॉइल का कितना इजीली होता है ये तो हमने ऑलरेडी देख ही लिया। नाउ द सेकंड वन इज ओवर ग्रेजिंग, ये डीफॉरेस्टेशन था एक रीजन, और एक रीजन होता है
grazing. Over grazing means what? Over grazing by cattle lead to the destruction of plant. Over grazing यानी कि कोई एक certain place पे जहाँ पे plants present है, but वहाँ पे बार बार cattle को लेके जाना for feeding. Cattle वहाँ पे जाएंगे plants को खाएंगे. अगर वो एक ही place पे बार बार cattle जा रहे, cattle यानी कि ox, cow, जो भी pet animals होते हैं और फिर wild animals etc. जो भी animals, जो भी cattle वहाँ पे जाते हैं for their feeding. अपना फूड ऑब्टेन करने के लिए वो अगर प्लांट्स को खाएंगे तो फिर भी वहाँ की लैंड कैसे हो जाएगी बैरन. अगर वो प्लांट को ही खा ले, प्लांट ही वहाँ पे नहीं रहेंगे तो लैंड कैसे हो जाएगी बैरन. और बैरन लैंड कैसे फिर इरोडेड होती है तो हमने देख ही लिया. इट ग्रेजुअली मेक्स द लैंड बैरन वंस द नेचुरल कवर ऑफ द प्लांट इज लॉस्ट. द सॉइल और द लैंड बिकम्स एक्सपोज टू विंड एंड फ्लोइंग वाटर एंड इट लीड्स टू द सॉइल इरोजन. और इसकी वजह से क्या होता है? सॉइल इरोजन. तो हमने आज देखा सॉइल इरोजन क्या होता है और फिर नेचुरल कॉजेस क्या है सॉइल इरोजन के. ये दो कॉजेस हमने आज के लेक्चर में देख लिया. यहाँ पे हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू सी सॉइल कंजर्वेशन, जो कि हमारे चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है. सॉइल कंजर्वेशन. कंजर्वेशन मीन्स व्हाट? ये जो इरोडेड सॉइल है इसको बचाना कैसे, सॉइल को कंजर्व कैसे करना, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. Okay, let's stop here. Thank you.